अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अताउल्ला अता, देसी फूड के साथ आपकी खिदमत में। आज हम रेसिपी बनाएंगे। ये कलियाँ लगाए हुए हैं ज़रीबे वाली साइड है, और ये देखो कलियाँ, और ये अभी दिखाएंगे, ये है बरसीन वाली साइड है, ये ज़रीबा वाली है। ये यहाँ पे आज रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए लाइक करो और शेयर करो, घंटी के ऊपर क्लिक करो ताकि जो नई वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। कमेंट्स में बताया किया करो। अभी रेसिपी की जानब आ गए हैं। आज हम बनाएंगे भिंडी। ये भिंडी काट के रख दी है, ये देखो भिंडी है। भिंडी के बनाने के लिए किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी? 3 अदद प्याज, 2 टमाटर और 5 सब्ज मिर्चें, सादा सैंपल, और कुछ तुम्हारी मर्ज़ी डालो ना डालो। ऐल डालेंगे तो मिर्चें, ये सब्ज वाले कोई लाल वाले डालते हैं, कोई कौन से वाले डालते हैं, आज हम सब्ज मिर्चें डालेंगे। तो अभी पहले शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज काटेंगे, प्याज काट के बाद में ऐल डालेंगे और भूनेंगे, साथ साथ में आपको दिखाते भी जाएंगे। अभी प्याज काट दिए थे, अभी ये प्याज में ऐल डाल दिया है। तो ये 3 चम्मच ऐल के, ये ऐसे वाले 3 चम्मच। ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, बाद में डालेंगे टमाटर। अभी ऊपर बंद कर देते हैं, ढक्कन दे देते हैं। अभी देखते हैं, अभी ब्राउन हो गए हैं। तो अभी डालेंगे टमाटर। अभी टमाटर और सब्ज़ी मिर्च डाल दिए। अभी ये ताकि अच्छी तरीके के साथ गल जाए। बाद में थोड़ा सा डालेंगे नमक, चाहे अभी भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, बाद में डालेंगे ये थोड़ा गल जाए। ताकि गल जाए, और ऊपर अभी बंद कर देते हैं, ढक्कन दे देते हैं। अभी चेक करते हैं इनको। अभी डालेंगे नमक, माशाल्लाह सालन बहुत अच्छा बनता है भिंडी का। अभी चेक करते हैं, माशाल्लाह अभी टमाटर गल गए हैं। अभी डालेंगे भिंडी, अभी डाल दिए भिंडी। आँच अभी कम कर देनी है, ज़्यादा आँच नहीं रखनी। आप घर में भी ट्राई करो, बनाओ और फिर बताना इसमें कितना। 4 आइटम डाले हैं, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चा, नमक, ऐल और भिंडी।
अभी चेक करते हैं। दम दिया था उसको, थोड़ा आंच रखे थे, अभी देखते हैं। भिंडी माशाल्लाह भिंडी बहुत अच्छी बनी है, बड़ी मज़े की भिंडी बनी है। खाना है तो आ जाओ। ये अभी थोड़ा आधी पकी है आधी कच्ची है। अभी माशाल्लाह सालन पक गया है। अभी आंच बंद कर देते हैं। अभी आंच बंद कर दिया है, अभी सालन निकालेंगे। खाना है तो आ जाओ। वीडियो पसंद आए लाइक करो शेयर करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।